स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 5 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। आंसर बी 27 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। पर्यटन से विश्व भर में लोगों को अलग अलग जगहों पर आर्थिक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इससे किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? ए हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, बी लखनऊ, पटना और भोपाल, सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता, डी मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। आंसर सी पुणे, दिल्ली और कोलकाता। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने 26 सितंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए, जो कि मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए तैयार किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत तैयार किए गए हैं। इनकी लागत 130 करोड़ रुपए है। इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को 3 जगहों दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड का खिताब किसने जीता? ए असद इकबाल, बी एनजी ओनली, सी मलकीत सिंह, डी कमल चावला। आंसर डी कमल चावला। एक्सप्लेनेशन, भारतीय स्नूकर कमल चावला ने 25 सितंबर 2024 को मंगोलिया के उलानबटार में फाइनल में पाकिस्तान के असद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 ग्रेड खिताब हासिल किया। चावला टूर्नामेंट के 2017 संस्करण में उपविजेता रहे थे। भारत ने मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और कीर्तना पांडियन के माध्यम से 3 और कांस्य पदक भी हासिल किए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आंसर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। एक्सप्लेनेशन, एक पेड़ माँ के नाम ऐप को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगा सकते हैं और उसे समर्पित कर सकते हैं। इसके उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ अपनी माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में लगाए जा रहे पेड़ों की तस्वीरें आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यह ऐप अपनी माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने का एक विशेष तरीका प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में फसल नुकसान करने के कारण नील गाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जा रहा है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आंसर ए बिहार। एक्सप्लेनेशन, बिहार के 5 जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर में इस महीने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान शुरू किया जाएगा। ये 5 जिले सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं, जहां इन 2 जानवरों ने फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। एक अनुमान के अनुसार इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या लगभग 3 लाख जबकि जंगली सुअरों की संख्या लगभग 67,000 है।